किया स्कूल का? नहीं किया। डॉगी, इसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया, चलो हम इसको काटेंगे। अच्छा तुम होमवर्क करोगी? हाँ बोल रहे, होमवर्क करेगी। होमवर्क करोगे? ठीक है करूँगा। ये हाँ बोल दी, चलो अभी होमवर्क करेगा। चलो तो आज है संडे और आज है फंडे, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग ने डिसाइड किया कि कहाँ भी जाएंगे नहीं बाहर। तो जब हम बाहर नहीं जाते तब हम घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम अपने कबर को साफ करें। हम करेंगे हमारे कबर को क्लीन, डीक्लटर और ऑर्गेनाइज, ताकि हम अपने बेटी के और हमारे वाइफ के कपड़े और मेरे कपड़े अच्छे से रख सकें। चलो टूरिस्ट, चलो हमको आज कबर क्लीन करना है। चलो 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 चलो। तो ये है हमारा कबर्ड जो दीवार में ही माउंट किया है, इतना क्लीन है। अब मैं दिखाता हूं आपको इसका रियल मैस। 1 2 3 गो। लुक एट दिस, रोज साफ करने पड़ते हैं और उसके बाद भी यहाँ पर चीजें नहीं मिलती। और ये है मेरी वाइफ का कबर्ड, ये तो बहुत ही डेंजरस है। ये देखो इसकी हालत। इसमें से कुछ ढूंढ के निकालना, मतलब एक ट्रेजर हंट जैसा है। तो इस मेस को क्लीन करने के लिए और इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया था। एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया था अमेजोन पे अबाउट सम ऑर्गेनाइजर एंड आई फाउंड समथिंग, एंड उसको ऑर्डर किया था मैंने, एंड दिस इज दैट ऑर्गेनाइजर राइट हियर। फिर मैं डी मार्ट गया था रिसेंटली एंड आई कुड सी सम नाइस स्टोरेज बॉक्सेस। तो मैंने आइडिया लगाया कि मैं इसको लेके आऊँगा घर पर और उसको ऑर्गेनाइज करूँगा अपने कबर्ड के अंदर। सो आई विल शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक। दिस इज द ऑर्गेनाइजर, इट्स कॉल्ड एज द वार्डरोब ऑर्गेनाइजर। आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़न, आई विल शो इट टू यू। दिस इज द ऑर्गेनाइजर, आई विल शो यू हाउ टू असेंबल दिस। ये है मेरा स्टोरेज बॉक्स फ्रॉम डीमार्ट। इसका यूएसपी ये है, इसके व्हील्स, सो आप इसके अंदर कोई भी कपड़ा या कुछ भी रख सकते हो एंड देन यू कैन मूव इट वेरी इजीली। सो दिस इज वन स्टोरेज बॉक्स। द अदर वन, अदर ऑर्गेनाइजर दैट यू कैन से इज दिस पर्टिकुलर बैग, जिसमें मैं अपने सूट्स रखूंगा अभी विंटर सीजन के। होता है ऐसे ऑर्गेनाइज, इसको यहां पे लॉक कर दिया। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक। ऐसे आपको इस सेट में मिलेंगे 5। यू कैन ऑर्डर इन अ सेट ऑफ 3 और 4 और 5 और 7। आई ऑर्डर 5, सो मुझे ये बॉक्सेस मिले। इट्स वेरी सिंपल टू ऑर्गेनाइज, ऐसे दिखता है एंड यू हैव टू जस्ट ओपन दिस ऐसे, देन यू हैव टू टक दिस इन यहां से ऐसे। और ये बन गया आपका सेकंड, और ये इसके बाद टूट गया ऐसे।
स्टार्ट्स नाउ। पहले पूरा सामान बाहर निकालना पड़ेगा, पूरे क्लोथ्स बाहर निकालने पड़ेंगे। अनन्या हेल्प करो मुझे, सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। पापा कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हम लोग। क्या? हम बेबू करने जा रहे हैं, आप जाओगी? सैनिटाइजर एंड क्लॉथ। हो गया बाबा, इसको कैसे पहनते? इसको कैसे, तो पापा का है, तुमको पहनना है। हाँ। लगाओ बेल्ट, लगाओ दिखा, बेल्ट लगाओ। डैडी पहना दू, दिखा। वाओ, वाओ, चलो चलो। दूसरा वाला कौन पहनेगा? दूसरा वाला किधर है? बाइक लद्दाख, बहुत सारे कंट्रीज में बाइक चला। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वाओ ये कितनी स्ट्रांग है। चलो माँ को, बाइक किधर है? बाइक जल्दी जल्दी आ जाओ, बाइक 300 के स्पीड में। बाप रे इतनी फास्ट कार, बाप रे, ओ माय गॉड। बॉक्स सेट किया है, अब तो कपड़े फिट करते हैं अंदर। ये है कपड़े सारे, बापरे, आप पता चल रहा है आपके पास कितने सारे कपड़े हैं? तो मुझको पता है कितने कपड़े मेरे पास, बहुत कपड़े। सिलिका जेल पैकेट्स इन दैट, ये दिखते ऐसे हैं सिलिका जेल। अभी आपको कैमरे में या नए वॉच में आपको हमेशा एक ऐसे पैकेट मिलेगा, इन इवन इन द शू बॉक्सेस। सो इसके रखने का ये रीज़न है कि ये हमेशा सब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है एंड फंगस नहीं आता, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये फंगस को अवॉइड करने के लिए यू शुड ऑलवेज प्लेस सम सिलिका पैकेट्स इन योर बॉक्सेस और wherever you store your clothes। मैंने इस कंपनी से लिया था, अब इसको मैं प्लेस कर दूंगा अंदर। ये मॉनसून में बहुत काम आता है, प्लेस कर लिया, इससे वो गंदी वाली स्मेल भी नहीं आती है फंगस की। सो दिस थिंग इज रेडी, आपको विंटर क्लॉथ्स इसमें आ गया है। yes. सारे विंटर क्लॉथ।
तो हमने फाइनली हमारे कबर्ड को क्लीन कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और जो कुछ भी हमें नहीं चाहिए था वो हमने इसमें बांध लिया है। अब इसको हम हमारे बंदे को दे देंगे जो हमारे यहाँ पे कपड़े इस्त्री करने आता है, हम उसको दे देंगे। और अब आपको दिखाता हूँ मैं द कबर्ड आफ्टर वी प्लेस दैट कंटेनर्स एंड स्टोरेज बॉक्सेस, हाउ डिड वी सॉर्ट थिंग्स। सी नाउ द फाइनल आउटपुट, दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ, much more organized, much more cleaner. Now you can actually search for anything very fast because सब सामने है आपके। बहुत मेहनत लगी लेकिन अच्छा लग रहा है। की कबर्ड अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसके बाद में हम लोग और इसको बुलाएंगे स्टोरेज बॉक्सेस एंड देन वी विल प्लेस देम इन द कबर्ड। तो दोस्तों आज के वीडियो का बाय इस ब्लॉग का कैमरामैन मैं थी और सारे काम इन्होंने किया है 3 आवर्स, राइट 3 आवर पूरा आफ्टरनून इसमें ही गया है। एंड हम लोग फिर से आप लोगों को नहीं बताएंगे जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कर सकते हो। और आशा करती हूँ फिर मुलाकात होगी एक नया ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू।